खबर से भी बड़ी खबर की तरफ रुख करते बताते चले कि मतगणना की तैयारियों में पूरा निर्वाचन विभाग अब जुटा हुआ नजर आ रहा है। काउंटिंग सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और साथ ही काउंटिंग असिस्टेंट को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अधिकारियों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, उसके पहले कोई भी भूल चूक ना हो, इसीलिए ताबड़तोड़ ट्रेनिंग और हर एक पैनी नजर रखी जा रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में ये काउंटिंग होगी। तो राजस्थान में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। 119 विधानसभा सीटों पर आपको माफ करिएगा 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। 25 तारीख को चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब यह आपको श्रीगंगानगर से बता रहे थे, अब अजमेर से भी बड़ी खबर आपको यह बता दें कि मतगणना की तैयारियां लगातार जारी हैं। अजमेर में भी मतगणना के लिए अब कार्मिकों को प्रशिक्षण देना शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में प्रशिक्षण शुरू हुआ। 8 विधानसभा सीटों के लिए कार्मिकों का ये प्रशिक्षण शुरू किया गया है। अजमेर में भी हर विधानसभा में लगेगी 15 से 18 टेबलें, यानी कि बंदोबस्त भी, मैनेजमेंट भी बिल्कुल टाइट है। मतगणना ड्यूटी में 450 से ज्यादा कार्मिक तैनात होंगे। 200 कार्मिक पोस्टल बैलेट के लिए तैनात किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अजमेर श्रीगंगानगर से, जहां पर मतगणना के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं, तमाम कहां पर कितनी टेबल्स लगनी है, कितने लोग चाहिए, उन सब चीज का मैनेजमेंट करके बंदोबस्त बिल्कुल किया गया है। ट्रेनिंग किनको किनको देनी चाहिए, उन सभी कार्मिकों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत भी हो गई है। अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन तमाम लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ताकि 3 तारीख को जब 8 बजे से मतगणना यानी कि काउंटिंग होनी शुरू हो तो किसी भी तरीके से कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। तो बड़ी खबर, मतगणना में लगे हैं कार्मिकों का प्रशिक्षण देना की शुरुआत अब हो चुकी है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, किस तरीके से मतगणना को लेकर मैनेजमेंट किया जा रहा है? देखिए श्रुति, श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना के लिए आवश्यक प्रशिक्षण मतगणना कर्मियों को दिया जा रहा है। अभी हम श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण स्थल पर ही मौजूद है। यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, सबसे पहले श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा अधिकारियों को, कार्मिकों को एक थ्योरेटिकल प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दिए जाने के बाद में उन्हें ईवीएम के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है कि आखिरकार मतगणना के दौरान किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट को कोऑर्डिनेट करते हुए मतगणना के कार्य को पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से और गंभीरता से अंजाम देना है। ये श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा आज काउंटिंग एजेंट्स, काउंटिंग सुपरवाइजर, असिस्टेंट्स और सुपरवाइजर्स के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका परिदृश्य देख रहे हैं। कुछ देर पहले इन सभी मतगणना कर्मियों को थ्योरी की क्लासेस दी गई, पूरी जानकारी दी गई, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट के साथ साथ किस तरह से मतगणना की कार्रवाई को अंजाम देना है। साथ ही साथ अब इन्हें प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है कि किस तरह से 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना के कार्य को पूरी गंभीरता के साथ संपन्न कराना है। हमारे साथ यहाँ पर एक प्रशिक्षण अधिकारी मौजूद हैं। सोनी जी, आप बताएं कि किस तरह से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। अभी ने सुबह 10 बजे से जो है सिद्धांतिक प्रशिक्षण जो है वो मतगणना के लिए दिया गया था, और अब इनको जो है ईवीएम के बारे में जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अच्छा, कितने बैचेस हैं, कितने बैचेस में किस किस तरह से आप बैचेस को मैनेज कर रहे हैं? ये हाफ डे ट्रेनिंग्स हैं और 3 बैच है, एक जो है सीएस का, काउंटिंग असिस्टेंट्स का और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का। देखिए श्रुति, ये श्रीगंगानगर के मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण स्थल का नजारा है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप सर, अभी आप बता रहे थे कर्मियों को कि किस तरह से मतगणना के कार्य को अंजाम देना है, किस तरह से आप ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आप खड़े होकर बताएंगे? सबसे पहले बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले ये इस अपने ईवीएम जो है सीयू टेबल पे आएगी, और सबसे पहले उसका मिलान करना है, इसके एड्रेस टैग से इधर कि जिस 217 गए में है प्रपत्र में वही नंबर है, और उसके बाद इसका टैग करके ग्रीन पेपर सील है जो इसके ऊपर लगी होगी ग्रीन पेपर सील, उसका मिलान करना है। और जब ये दोनों मिलान हो जाए फिर इसको ऑन करना है। उसको ऑन करने के बाद अपना टोटल दिखाया जाएगा इनको, और टोटल मिलान होने के बाद फिर इसको यहाँ से काटा जाएगा, और इस सील को काटा जाएगा, उसके बाद इसको ओपन करके फिर स्पेशल टैग होता है इसके अंदर, उसका भी मिलान किया जाएगा, और उसके बाद ये रिजल्ट बटन है इसको दबाकर रिजल्ट
दिखाया जाएगा जी, और उसको नोट किया जाएगा, उसको नोट किया जाएगा। उसके बाद की क्या कार्रवाई होगी सर? उसके बाद अपने रिजल्ट दिखाने के बाद अब उसको शीट पे नोट किया जाएगा, फिर वो अपने आरओ साहब अपने सभी टेबल से वो उसको शीट को कलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से एक राउंड पूरा हो जाएगा। एक राउंड पूरा होने के बाद फिर दूसरे राउंड की जो है आ जाएगी। बिल्कुल श्रुति, आप ये देखिए पूरी तरह से श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग मतगणना के कार्यों को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं जी। कई अलग अलग जगह से कार्मिक वहां पर डिप्यूट किए जाते हैं, कार्मिकों से बात कर पाएंगे कि ट्रेनिंग के दरमियान क्या उन्हें किन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नहीं समझ में आता है दोबारा पूछते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अधिकारियों का फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा हाई हो जाता होगा? आप श्रुति अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे प्लीज। मैं ये कह रही हूँ कि अलग अलग कार्मिकों से भी पूछिए अशोक, कि अलग अलग लोगों को डिप्यूट किया गया है इस काम के लिए, मतगणना के लिए, तो उन्हें ट्रेनिंग लेते के दरमियान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल श्रुति, हम और अन्य मतदान जो मतगणना के कार्य में जुटे हुए हैं उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर आप ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? सादुल शहर से। सादुल शहर से आए। अभी ये जो मतगणना का जो प्रशिक्षण दिया गया है, इसमें आपके अनुभव कैसे रहे? बहुत शानदार अनुभव है। प्रत्येक कार्य को हमने गंभीरता से सीखा है। हाँ। और हम मतगणना का कार्य जो है पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से संपन्न करवाएंगे। आपको लग रहा है कि मतगणना के दौरान किसी तरह के यदि कोई चैलेंजेस आते हैं तो उसका निदान कैसे होगा, किसको अप्रोच करना होगा, वो सारी जानकारी आपको मिल पाई है? बिल्कुल संतुष्ट हैं सारे प्रशिक्षण। बिल्कुल, देखिए श्रुति ये संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, हम और अन्य मतदान कर्मियों से बात करते हैं जी। हाँ सर, कैसा रहा आपका प्रशिक्षण? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अशोक बहुत बहुत मैं आपके पास आऊंगी अशोक, लेकिन अशोक की तरफ रुख करते हुए अजमेर से सवाल पूछ लेते हैं। अशोक, वहां पर मैनेजमेंट कैसे है मतगणना को लेकर, क्या कुछ वहां पर बंदोबस्त किए गए हैं, ट्रेनिंग किस तरह से दी जा रही है, क्योंकि अजमेर की 8 सीटें हैं, सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी, मात्र 2 दिन बाकी हैं। जी बिल्कुल, 25 तारीख को मतदान के बाद सभी के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया था और 3 तारीख को जो है मतगणना आयोजित की जानी है। अजमेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये मतगणना होनी है। इससे पहले तमाम जो कर्मचारी हैं, 435 से 450 कर्मचारियों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जिनका प्रशिक्षण आज जो है अजमेर के बोर्ड ऑफिस सभागार में किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान मीडिया को यहाँ पर अंदर अलाउ नहीं किया गया है, अंदर जो है उनकी ट्रेनिंग की जा रही है और ईवीएम को किस तरह से खोलना है और उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं उनको किस तरह से बताना है वो तमाम कर्मचारियों को यहाँ पर बताया जा रहा है। 435 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ 200 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पोस्टर बैलेट की जो है जानकारी दी जा रही है। तो 3 तारीख को 8 बजे ये मतगणना शुरू होगी। 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की यहाँ पर जो है मतगणना होगी, उसके बाद 8:30 बजे से जो ईवीएम है वो खुलना शुरू हो जाएगी। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में 15 से 18 बेंचे प्रत्येक विधानसभा के लिए लगाई गई हैं। आज अजमेर में बात करें तो 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा के अलग अलग। पीछे की तस्वीरें अगर दिखा पाए तो बात करते करते जानकारी देते देते आप पीछे की तस्वीरें भी दिखाते चलिए। जी बिल्कुल, अजमेर में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अंदर जो है वो तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है, बाहर जो है अभी केवल ऐसे कर्मचारी हैं जो व्यवस्थाओं में लगे हैं। अंदर चूंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, ऐसे में ये जो तमाम कर्मचारी हैं ये अंदर जो व्यवस्थाएं हो रही है उनको यहाँ पर जो है अंजाम देने हैं, क्योंकि किसके पास कितने जाने हैं, कितने कर्मचारी जाएंगे, उन सभी के पास जो है यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। आप देखेंगे फोटो आईडी के साथ, क्योंकि ये मतगणना का काम है वो एक सुरक्षा का काम है। तो अंदर जो जाने वाला जो भी कर्मचारी होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में, उनकी तमाम जो गतिविधियां हैं उस पर नजर रखी जाए, इस सभी बातों को लेकर उनके जो कार्ड से वो बनाए जा रहे हैं। कार्ड के बिना सभी किसी को अनुमति नहीं होगी। तो आपको बता रहे थे कि अजमेर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ये मतदान हुआ था। अब उनकी जो मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी, बैलेट पेपर से जो है इनकी मतगणना शुरू होगी और उसके बाद जो है ईवीएम खुलेगी। तो ईवीएम जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईवीएम में ही सभी के भाग्य का फैसला है वो कैद हुआ है। तो ईवीएम जो है को लेकर जो है अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि ईवीएम किस तरह से वो खुलेगी और उसमें कितने मतदान हैं उसकी जानकारी जो है कर्मचारी को किस तरह मिलेगी, जिससे कि वह जो पोलिंग एजेंट है कांग्रेस बीजेपी या अन्य जो दल हैं उनको वो बता पाए, उनको संतुष्ट कर पाए कि ये ईवीएम है वो सही खुली है और इसमें इतने वोट जो है पड़े हैं। प्रशिक्षण बहुत कायदे से हो, उसका मैनेजमेंट बहुत टाइट हो, जिस दरमियान काउंटिंग हो तो ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग की कमी की वजह से काउंटिंग में कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि एक एक सीट, एक एक प्रत्याशी, एक एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अशोक, अभी जहां पर आप हैं क्या किसी से बात हो सकती है, किसी अधिकारी से या प्रशिक्षण कर्मी से?
जो पूरा मतगणना के साथ साथ मतदान को लेकर जो प्रशिक्षण का जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, हमारे साथ सह चुनाव प्रशिक्षण प्रभारी सोनी जी मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं और जाने का प्रयास करते हैं कि अब चूंकि ये पहला बैच तो कंप्लीट हो गया है, लगभग उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है, अभी पूरे दिन में क्या क्या और प्रोग्राम्स होंगे, किन किन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना बाकी है? अभी जो इसके संबंध में जो माइक्रो जोर्स लगाए जाते हैं काउंटिंग के संबंध में, उनकी 2 बजे जो है उनकी ट्रेनिंग है, और साथ में आज ही जो है जो आरओ हैं उनकी जो है ब्रीफिंग यहाँ पे है, जो हमारे जो डिप्टी डीओ साहब और कलेक्टर साहब हैं वो लेंगे। अच्छा, आप देखिए सोनी जी, मतदान के साथ साथ मतगणना का प्रशिक्षण की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, तो अक्सर मतगणना कर्मियों के सामने ऐसे कौन से चैलेंजेस होते हैं या ऐसी कौन सी उनकी क्वेरीज होती हैं जो आपके सामने आती हैं? जी यहाँ हम क्या इनको पहले सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया, इसके बाद ईवीएम का दे रहे हैं, इसके बाद में उनका जो है एक डाउट सतर्क रखते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है इनके या कोई भी शंका है तो उनको क्लियर करके ही उनको भेजते हैं। देखिए श्रुति, एक्चुअल में क्या है कि ये जो कर्मी है न केवल मतदान के लिए प्रशिक्षित थे लेकिन उस समय मतगणना के लिए भी ये मेंटली प्रिपेयर थे। अब चूंकि पिछले काफी समय से ये प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा रही है, चूंकि 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, तो ऐसे में सभी मतगणना कार्मिक पूरी तरह से प्रिपेयर थे। बिल्कुल, और जरूरी भी है अशोक, मैं अजमेर में अशोक मैं आपको रोकना चाहूंगी, अजमेर में हम रुक कर लेते हैं। अशोक भाटी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, आप जहां पर हैं, आप कह रहे हैं कि मीडिया कर्मियों को एंट्री नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर आप किसी अधिकारी या प्रशिक्षण कर्मी से बात कर पाए कि किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरह से वो ट्रेनिंग को ग्रहण कर रहे हैं, बात हो पाएगी अशोक? जी बिल्कुल, अंदर जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ही ये जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। तो बाहर जो कर्मचारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह के काम जो है यहाँ पर चल रहा है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के जो है कार्ड हैं वो बनाए जा रहे हैं और इससे किस तरह की सुरक्षा को लेकर है, या अन्य जो कर्मचारी हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं? सभी काउंटिंग सुपरवाइजर और असिस्टेंट सभी के कार्ड बन रहे हैं, कार्ड के बगैर एंट्री नहीं है वहाँ पर, और इनको 2 तारीख को दिए जाएंगे। अभी अंदर जो प्रशिक्षण चल रहा है वो सभी जो कार्ड हैं उनके बनाए जा रहे हैं? जी। तो क्या ट्रेनिंग दी जा रही है अंदर? ट्रेनिंग काउंटिंग से रिलेटेड, ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों के अलग अलग, ईवीएम के अभी चल रही है, पोस्टल बैलेट की दोपहर की पारी में चलेंगे। अशोक, एक सवाल आप क्या जानकारी दे रहे हैं कि आप भी लंबे समय से इस काम में जुड़े होंगे? गुलाबी और एक अटेंडेंस लेने का रहता है। गुलाबी और पीले दो कार्ड दिख रहे हैं, दो कार्ड अलग अलग किस लिए? जी बिल्कुल, ये भी जानने की कोशिश करते हैं, इनसे पता करते हैं। दो कार्ड आपने बनाए हैं, अलग अलग कलर के कार्ड हैं, ये किस तरह के कार्ड हैं, गुलाबी और पीले क्यों हैं? एक तो उसके एमओ के हैं, एक काउंटिंग असिस्टेंट के और एक काउंटिंग सुपरवाइजर के कार्ड से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो क्या है, सुपरवाइजर असिस्टेंट है या एमओ। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और अशोक भाटी अजमेर से इन तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि दौसा की सभी सीटों पर होने वाली मतगणना को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। 3 दिसंबर को जिले के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतगणना की जाएगी और जिसकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। इस बार मतपत्र और ईवीएम की गणना एक साथ सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और जिसके लिए अलग अलग टेबल्स का बंदोबस्त भी किया गया है। वहीं दौसा में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम पर अर्धसैनिक बलों का पहरा भी लगाया गया है। कॉलेज भवन के चारों तरफ सुरक्षा घेरे की भी उसके भी इंतजाम किए गए हैं और मतगणना स्थल के 100 मीटर दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अलग अलग है जैसा रूम स्पेस है, जितने कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट के हिसाब से मशीन को टाइम लगता है, जितने कैंडिडेट्स हैं जितना रूम स्पेस है उसके हिसाब से हमने टेबल गठित किए हैं। कहीं पे ईवीएम काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स हैं, पीबी के लिए 5 टेबल्स हैं, कहीं पे 12 टेबल हैं, पीबी के लिए 5 टेबल हैं, उस तरीके से किया। ETPBS में एनमार्क किया है कुछ टेबल्स को, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कितने कैंडिडेट हैं, कितने राउंड्स जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसको देखते हुए व्यवस्था करेंगे। और अब बात कोट